व्हाट्सअप गाइस, आई एम रोहित खुराना एंड वेलकम टू कुकबुक बाय रोहित। लौकी की सब्जी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको या आपके घर में बच्चों को लौकी की सब्जी खाना नहीं पसंद, तो एक बार मेरे स्टाइल में लौकी की सब्जी बना कर देखो। ट्रस्ट मी, यू विल थैंक मी लेटर। अब ये जो रेसिपी है ना, बहुत ही सिंपल है बनाने में। प्रेशर कुकर में बस प्याज को हल्का सा भूनकर सभी इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे और कुकर को सीटियां लगाएंगे। उसके बाद बस 5 से 7 मिनट के लिए और पकाएंगे और इसका टेक्सचर भाजी या भरते के जैसा होता है। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही बेसिक मसालों से ये लौकी की सुपर टेस्टी सब्जी कैसे बनती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। घी एक बार गर्म हो जाए फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 7 से 8 काले मिर्च, 1/2 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक, 1 टेबलस्पून चॉप्ड जिंजर और 1 हरी मिर्च चॉप करके। इनको आधा मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लेंगे ताकि हल्का सा कच्चापन निकल जाए। फिर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज प्याज चॉप करके। दोस्तों, प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसलूसेंट होने तक भुनना है। बेसिकली हमें यहाँ पर बस उतना ही पकाना है कि जो कच्चापन है वो निकल जाए। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं प्याज को मीडियम फ्लेम पर भुनते हुए और प्याज भी ट्रांसलूसेंट हो गया है। इस स्टेज पर गैस का फ्लो कर देंगे हम एकदम लो और ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। इनको लो फ्लेम पर आधा मिनट के लिए भून लेंगे। एक बार मसाला अच्छे से भुन जाए फिर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर चॉप करके। साथ ही में ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज लौकी को चॉप करके। फ्लेम को हाई कर देंगे और इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 मिनट के लिए स्टर करते हुए भून लेंगे। उसके बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 5 सीटी मीडियम फ्लेम पर देंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने पानी इसीलिए नहीं ऐड किया है क्योंकि लौकी में अपना ही बहुत पानी होता है, इसीलिए पानी ऐड करने की जरूरत ही नहीं होती। एक बार मीडियम फ्लेम पर 5 सीटी लग जाए उसके बाद लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। 3 से 4 मिनट के बाद गैस ऑफ कर देंगे और कुकर को नेचुरली डीप्रेशराइज होने देंगे। प्रेशर कुकर से एक बार प्रेशर निकल जाए उसके बाद प्रेशर कुकर को खोलेंगे और आप देख सकते हो लौकी अच्छे से पक चुकी है और घी भी छोड़ दिया है। अब गैस ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए स्टर करते हुए पकाएंगे। हल्का सा मैश करते हुए पकाएंगे जब तक कि सब्जी का टेक्सचर थोड़ा भरता या भाजी जैसा ना हो जाए। लगभग 8 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो सब्जी का टेक्सचर भाजी जैसा हो गया है, काफी ड्राई भी हो गई है और घी भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर ऐड करेंगे चुटकी भर फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया चॉप करके। इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारी लौकी की सब्जी तैयार है, चलिए सर्व कर लेते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनी है और अगर आप या आपके घर में किसी को लौकी खाना नहीं पसंद, तो एक बार मेरे स्टाइल में लौकी की सब्जी बनाए और खुद मुझे आप कमेंट्स में बताना कि आपको एंड आपके घर में सबको ये रेसिपी कैसी लगी। इनको आप गर्मा गर्म चपाती या सैलड के साथ सर्व करो, बहुत ही जबरदस्त लगती है खाने में और उतनी ही हेल्दी भी होती है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके लौकी की सब्जी बनाएं और ऐसी ही और भी इजी टू फॉलो रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।